गाइस आज हम बनाएंगे टेस्टी डिलीशियस रवा केक, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप शुगर। ये जो 200 ml वाला कप रहता ना, उसी से मैंने 1/2 कप शुगर लिया है और 1/2 कप कर्ड लिया है। ओके, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे शुगर और कर्ड को। फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप से थोड़ा कम ऑयल। ऑयल, घी, बटर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो। बस अब उसके अंदर हम 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे, एकदम बारीक वाली सूजी रहती है ना वो, उसको उसके ऊपर हम 1/2 कप मैदा। और हम दो सब इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे दूध, जिससे ना अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डाल के इसके अंदर मैंने डाला था 1/2 कप इनो, तो वो सबके पास अवेलेबल रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला है, जिससे इसका केक का टेस्ट ना एकदम इन्हेंस हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मावा, वो ये मेरा होममेड मावा है, इससे ना टेस्ट एकदम अच्छा आएगा। और हाफ बैटर को मैंने ग्रीन कलर से ये कर दिया है, मिक्स किया है, और हाफ को मैंने वाइट ही रखा है। अब बैटर को मैंने डाल दिया है केक टिन के अंदर, तो इसे भी हमें बेक करना है 30 to 35 मिनट्स के अंदर। फिर हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये केक इतना टेस्टी लगेगा और इतना हेल्दी है ना के बच्चे बड़े सब खाएंगे। और इसे हम आमंड से गार्निश करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आमंड मेरे बच्चे को पसंद है, तो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। अभी उससे हम गार्निश करके इसे हम बेकिंग के लिए छोड़ देंगे। तो इसे बेक करने रखना है 30 to 35 मिनट्स के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बेक हो करके रेडी हो चुका है। ये ज़्यादा राइस नहीं हुआ है, बिकॉज़ मैंने ना इसमें ज़्यादा इनो ऐड नहीं किया था। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है ये हमारा केक। और फ्रेंड्स खाने में भी इतना टेस्टी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही मज़ेदार से और इजी वीडियो लेकर के आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।